टॉपिक नंबर 18.3 इज़ द बैकग्राउंड रेडिएशंस। सो बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या होती हैं कि हम नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की बात कर रहे थे। वो ऐसे तमाम प्रोसेसेस थे जिसके बिहाफ पे जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई था वो रेडिएशंस को एमिट कर रहा था, ठीक है, यानी उससे रेडिएशंस निकल रही थी। तो वो हमारी अगर जो है हमारी रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल कंडीशंस पे निकल रही थी तो हम उसे कहते थे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। वो फिनोमेना नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहलाता था, और जिन एलिमेंट के अंदर से वो रेडिएशंस निकलती थी उन्हें हम नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते थे। अब नो डाउट ये नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हर जगह हर टाइम मौजूद हैं हमारी अर्थ के ऊपर भी, ठीक है। इनके कुछ ना कुछ स्मॉल ट्रेसेस जो हैं वो प्रेजेंट हैं हमारे सॉइल के अंदर भी, हमारे वाटर में भी, अर्थ में, आप रॉक्स में यानी चट्टानों में, पत्थरों में, मिट्टी में, हर हर जगह रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो कि ऑल द टाइम रेडिएशन एमिट कर रहे हैं और हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हर टाइम रेडिएशंस जो हैं वो एमिट हो रही हैं। सो ये तमाम रेडिएशन जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है ड्यू टू नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हर टाइम रेडिएशन एमिट करते रहते हैं, उस फेनोमेना को या उन रेडिएशंस को हम कहते हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस, ठीक है, क्योंकि वो हमारे बैकग्राउंड में ऑल द टाइम प्रेजेंट है। हमें खुद से उनको प्रोड्यूस नहीं करवाना पड़ा, हमें खुद से कोई ऐसी कंडीशन नहीं देनी पड़ी, बट जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैं सॉइल के अंदर, वाटर के अंदर और भी डिफरेंट जगहों पे, वो क्या करते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने न्यूक्लियाई को स्टेबल करने के लिए हर टाइम रेडिएशंस को एमिट कर रहे हैं, और वो तमाम रेडिएशंस जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट हैं वो कहलाती हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस। अब बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो जो अर्थ के ऊपर एलिमेंट प्रेजेंट हैं वहीं से प्रोड्यूस करवाई जा सकें। हमारे जो अदर आउटर स्पेस है, ठीक है, लेट सपोज ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे जो आउटर स्पेस है वहाँ से जो रेडिएशंस आ रही हैं, सन से जो वेव्स आती हैं, क्या होते हैं बेसिकली वो आयंस वगैरह होते हैं, ठीक है। अब ये जब आके हमारे एटमॉस्फेयर से, हमारे एयर पार्टिकल से स्ट्राइक करती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आयनाइजेशन का फेनोमिना हो जाता है। आयनाइजेशन में क्या होता है कि ये हमारा एटम है, ठीक है, जिसका ये न्यूक्लियस सेंटर पार्ट है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इट इज़ एन एटम, ठीक है। अब ये आउटर स्पेस से ये रेडिएशन आई और एटमॉस्फेयर के एटम के इलेक्ट्रॉन से आके स्ट्राइक कर गई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ने इस एनर्जी को, क्योंकि ये हमारी जितने भी रेज हैं वो क्या है, एनर्जी है, ठीक है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और यहाँ से अपने शेल को छोड़ के बाहर चला, ठीक है। तो अब इस पूरे के ऊपर क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ चुके हैं, यानी ये एटम अब पॉजिटिव आयन की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि इस रेडिएशन ने यहाँ पे इसको क्या कर दिया है, आयनाइज कर दिया। अब आयनाइजेशन की वजह से भी क्या होता है कि ये हमारी अब सेकेंडरी जो है, यहाँ से जो एमिट होंगी रेज वो सेकेंडरी कहलाएंगी। अब वो रेज किस तरह एमिट होती हैं, समटाइम ऐसा होता है कि ये पूरा का पूरा आयन बन जाता है, या समटाइम ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन को सिर्फ इतनी एनर्जी मिलती है कि वो अपने शेल को छोड़ के अगले शेल में चला जाए, ठीक है, या उससे नेक्स्ट में चला जाए, ठीक है, इसके पास इतनी एनर्जी आ गई कि वो अपने शेल से दूसरे शेल में जंप कर गया। अब एक टाइम तक हर चीज़ के पास एनर्जी रहती है, लेकिन ये नेचर का असूल है कि हर चीज़ अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करती है, ठीक है। जिस तरह ये रेडिएशंस कहाँ से आ रही हैं, क्योंकि न्यूक्लियाई जो है वो अपने आप को स्टेबल करना चाह रहे हैं, वो अनस्टेबल थे, अपने आप को स्टेबल करना चाह रहे हैं, तो वो रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर कॉस्मिक रेज यानी आउटर स्पेस से जो रेज आई वो इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर ली और वो किसी और शेल में चला भी गया, लेकिन क्या होगा कि वो टाइम बीइंग उधर रहेगा बट वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। अब जब वो वापस आएगा तो यहाँ से वो रेडिएशन एमिट करेगा, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर गया था, ऊपर वाले पोर्शन में उसने कुछ देर स्टे किया, शेल में स्टे किया, वापस बैक आ गया अपने शेल के अंदर, तो उसके शेल के अंदर तो एनर्जी कम थी, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उन्हें कम एनर्जी चाहिए, कम एनर्जी का मतलब है अब उसे अपने पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब वो जो एनर्जी निकलेगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, ये हमारी बेसिकली कहलाती है सेकेंडरी रेडिएशंस, ठीक है, और ये सेकेंडरी रेडिएशंस एक्सरेज भी हो सकती हैं, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स भी हो सकते हैं,
बीटा पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशंस को प्रोड्यूस करवा रहे हैं। अब रेडिएशंस जो हैं, हम ऑल द टाइम रेडिएशंस के अंदर रहते हैं, तो रेडिएशंस हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती रहती हैं, बट हमारी बॉडी के अंदर भी एक ख़ास लिमिट है जहाँ तक वो इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकती है। अब उस रेंज से अगर बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाए रेडिएशन की क्वांटिटी, तब जो है वो डिसऑर्डर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जिस तरह अगर हम जस्ट एक कैंसर पेशेंट की एग्जाम्पल लें, तो कैंसर पेशेंट में क्या होता है कि हम उसको रेडिएशंस दे रहे होते हैं, ठीक है। अब उसकी बॉडी के अंदर जो सेल प्रोड्यूस हो गए हैं, जिसकी वजह से हम जिनको कैंसर कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो सेल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, जो एक दूसरे के साथ क्लस्टर बना लेते हैं, एंड उसको हम कैंसर कहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, हम उनको रेडिएशन से ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब रेडिएशंस जो हैं वो एक ख़ास हद तक ह्यूमन बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, उसके बाद जो है वो डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जो कैंसर पेशेंट ट्रीटमेंट करवाते हैं, उनके मोस्ट प्रोबेबली बाल जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। उनके जो सर के बाल हैं, उनकी जो आईब्रोज वगैरह हैं, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती हैं। तो और उनके बाकी ऑर्गन्स के ऊपर भी बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो वो किस वजह से होते हैं, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी एक ख़ास रेंज तक उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकती है। अब उस लिमिट से ज़्यादा अगर हम जाएंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है, बट चूँकि हमें ट्रीटमेंट के पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करना है, तो उसको हमें करना पड़ेगा, ठीक है। बट नॉर्मली कंडीशंस में क्या होता है कि हम एक जो है ऑल द टाइम रेडिएशंस के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बैकग्राउंड के अंदर ही रेडिएशन प्रेजेंट है। हमारी ईच एंड एवरीथिंग के अंदर कुछ ना कुछ ट्रेसेस एलिमेंट प्रेजेंट हैं जो हर टाइम रेडिएशंस को एमिट करते हैं। इसके अलावा अगर वहाँ से रेडिएशन एमिट नहीं भी हो रही, तो बाहर से आउटर स्पेस से जो रेडिएशंस यहाँ पे आ रही हैं, वो हमारी जो एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, उनको आयनाइज कर रहे हैं। वहाँ से सेकेंडरी जो रेज हैं वो एमिट हो रही हैं, जो कि इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज हैं, अल्फा पार्टिकल हैं, बीटा पार्टिकल हैं। तो हमारे जो जितने भी एटमॉस्फेयर में रेडिएशंस प्रेजेंट हैं, चाहे वो प्राइमरी रीजन की वजह से हैं, चाहे वो सेकेंडरी हैं, तो वो तमाम क्या कहलाती हैं हमारी, वो हमारी बैकग्राउंड रेडिएशंस कहलाती हैं। सो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द बैकग्राउंड रेडिएशंस।